ने अशोकनगर जिले के ओलावृष्टि और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से अवलोकन किया। वहीं खेतों में जाकर नुकसान का भी जायजा लिया। इस दौरान किसान की पत्नी को बिलखता देखकर भरोसा दिलाया। उन्होंने किसान भाइयों से कहा कि चिंता मत करना, ये संकट आया है, संकट की पार निकाल कर ले जाएंगे, मुसीबत से निजात दिलाएंगे। 18 जनवरी तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा, सर्वे ईमानदारी से किया जाएगा, पूरी सूची पंचायत भवन में चस्पा की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि एक एक किसान के खेत में जाकर नुकसान का सर्वे करे और तत्काल रिपोर्ट दे। मैं दुख की घड़ी में आया हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से फसलें देखी है और किसान हूं, इसलिए किसान के दर्द को पहचानता हूं, तकलीफ जानता हूं। दिन और रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके, कर्जा लेके खाद डाला, बीज डाला और पानी से नहीं पसीने से अपनी फसलों को हम सींचते हैं, तब अन्न के दाने हमारे घर पे आते हैं। फसल तैयार हो रही थी लेकिन अचानक ओलावृष्टि हो गई। आज मैं आपसे, केवल आपसे नहीं, अशोकनगर से नहीं, मुंगावली से नहीं, चाहे गुना के किसान हो, शिवपुरी के किसान हो, दतिया के किसान हो या मध्य प्रदेश के और किसी जिले के किसान हो, अभी मैं निवाड़ी जिले से आ रहा हूं, किसान भाइयों तकलीफ है लेकिन चिंता मत करना, ये संकट आया है लेकिन संकट के पार निकाल के आपको ले जाएंगे, इस मुसीबत से निजात आपको दिलाएंगे। और इसलिए पहली चीज, नुकसान का सर्वे हमारे सारे अधिकारियां हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, 18 तारीख तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और सर्वे में कोई बेईमानी भी ना हो, मनमानी ना हो, ईमानदारी से हो, ये निर्देश मैंने दिए। लेकिन केवल निर्देश नहीं, सर्वे की पूरी सूची पंचायत भवन में लगाई जाएगी ताकि आम जनता देख सके। और उसके बाद अगर किसी को आपत्ति होगी तो उसका खेत फिर से देखा जाएगा। कितनी खेती है? 15 बीघा। हम चिंता मत करो, अभी देख के व्यवस्था करते हैं।